हे एवरीवन, वेलकम टू चैट। इस वीडियो में मैच जो कवर करें नेदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का, जो कि फर्स्ट ओडीआई मैच खेलेगा। ये इंटरनेशनल मैच है और आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मैच हो सकता है, तो जोर से इन्वेस्ट करना। आपके लिए थोड़ा ही करना, बट करना जोर से, स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें दो टीम्स के प्लेइंग 11 से। बाकी इस वीडियो में मतलब कि आपके लिए फिर से गिव अवे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर करते ना। पहले मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, ज़्यादा मैं इधर उधर का क्वेश्चन नहीं पूछा। सिंपल से आपको क्वेश्चन में पूछा कि जियो जिमोस इस मैच में कितने रन बनाएगा, आपको ये कमेंट करना है। और हमने जियो जिमोस कैप्टन क्यों किया आपको पता चल जाएगा। ये हमारे ग्रैंड लीग की टीम है, मिनी ग्रैंड लीग की, और ये हमारी स्मॉल की टीम है। तो इस वीडियो आपको दोनों टीम्स आपको देंगे, साथ ही साथ इस वीडियो गिव अवे है, तो आप जोर से कमेंट करना कि जियो जिमोस इस मैच में कितने रन बनाएगा। आप जोर से कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपका आंसर राइट होता है तो हमारे चैनल से मिलेगा फ्री पेटीएम कैश। तो जोर से मतलब कमेंट कीजिएगा। तो अब बात करें दो टीम से प्लेइंग, ये फर्स्ट ओडीआई मैच है, तो काफ़ी मेरे लिए तो अच्छा मैच हो सकता है, क्योंकि मेरा स्कॉटलैंड का जो प्रेडिक्शन होता है हमेशा राइट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें दो टीम से प्लेइंग 11 से। बाकी जो फाइनल टीम और टिप्स मैं आपको टेली यहाँ पे दे दूंगा। इस वीडियो में हम आपको एक स्मॉल की टीम देंगे, बाकी अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है आप सभी का लाइक करके, ठीक है, अगर अच्छा रिस्पांस आता है टेलीग्राम पे भी, तो आपको हम 6 टीम टेलीग्राम पे दे देंगे और एक स्मॉल लीग टीम, और टोटल 7 टीम्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँ। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन की, जहाँ पे 4400 प्लस सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो रियल टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे 4400 प्लस सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे। या फिर आप सर्च करना जाके @ फैंटेसी 11 टीम ड्रीम मिल जाए, आप सर्च करो आप चैनल देखने को मिल जाएगा। या फिर सीधे आप कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाए, आपको जहाँ पे लिंक पिन मिलेगा, एक लिंक आपको मिलेगा नीचे कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहाँ 4400 प्लस सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको रियल टेलीग्राम दिखा देता हूं, आप फेक मत ज्वाइन कीजिएगा। आप रियल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, प्लीज आप फेक मत करना ज्वाइन, ठीक है। आप रियल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे 4400 प्लस सब्सक्राइबर्स आपको देखने मिलेंगे। और लास्ट रेटेड मैच आप अल्ट्रा क्लीन स्वीप की होगी हमारी स्ट्रीम के साथ। सभी ने आर वैल्यू को पिक किया, बट आर वैल्यू मतलब इकोनॉमिकल मतलब माइनस चला गया, और जे वाल्टर ने हमें वन साइड क्लीन स्वीप करवाया, और साथ ही साथ हमारे वाइस कैप्टन भी क्लीन स्वीप करवा दिया। तो काफी अच्छा हमने अमाउंट विन किया। फिर उसके बाद ये वाला टीम हो गया, फिर उसके बाद दूसरी टीम जो कि हमने इस मैच में काफी अच्छा हमने अमाउंट विन किया। वाइस कैप्टन हमारा 8/10 सभी का क्लासिक या फिर ऐसे एन निकोमो था, बट हमने ये भी मैच अच्छा खासा अमाउंट हमने विन किया। फिर उसके बाद हमने ये वाला मतलब कि टीम दिया था, ये वाला वन साइड अल्ट्रा क्लीन से और मेगा क्लीन से आप कह सकते हो, क्योंकि एसआई ब्राउन को किसी लिए ट्राई नहीं किया था, हमने ट्राई किया, एक तरफा हमने विन किए। तो जिनको मेरी टीम और टिप्स से आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, फैंटेसी 11 टीम ड्रीम जैप सर्च को, जहाँ पे 4400 प्लस सबको देखने को मिलेंगे। तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सीधे से कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाएगा। आपको मैं दो इस मैच का डेडलाइन है 2:30 पर, 2:15 पर टेलीग्राम पे फाइनल टीम दे दूंगा। तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन करें, और इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपको 6 रियल टीम भी दूंगा। बाकी एक स्मॉल लीग और एक मतलब ग्रैंड लीग की टीम, मिनी ग्रैंड लीग आप यूज़ कर सकते हो, वो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको T10 का भी टीम थी, वो रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब बात करें दो टीम से, सबसे पहले बात करें दो टीम से प्लेइंग 11 से। बाकी मैं नेदरलैंड की प्लेइंग तो बार बार बता चुका हूँ, स्कॉटलैंड का काफ़ी दिन बाद बता रहा हूँ, मतलब मैं 8 महीने ये बाद भी बता रहा हूँ, ठीक है। 2020 में ही बताया था लास्ट में, क्योंकि आप स्कॉटलैंड का मैच आ रहे हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें नेदरलैंड के प्लेइंग से, तो टीम वैसे आपको ओपन करते होना चाहिए मैक्सो डॉट के साथ, जो कि आपको पता है ये कितने अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। आपसे पता है जो मतलब कि नेदरलैंड वैसे नेपाल का जो सीरीज चल रहा था उसमें काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे। फिर उसका बैन कॉप आएगा ठंडा पे, मतलब एवरेज ऑप्शन थे, बट एक मैच 53 रन बनाए थे, एक मैच 49 रन से, ऐसे मतलब कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे, बट कुछ मैचेस को फ्लॉप भी गए थे। फिर उसका वेस्ले लेड आएंगे, जो कि टीम से मतलब कि फोर दे बैटिंग करेंगे और टीम की तरफ से मतलब कि बॉलिंग कंफर्म पाएंगे, ये 10 ओवर कन्फर्मली ये पाना ही नहीं, ठीक है। फिर स्कॉट एडवर्ड आएंगे, मतलब कि उस भी सीरीज में तो ओपन कर रहे थे, नेदरलैंड के नेपाल वाली सीरीज में तो ओपन कर रहे थे, बट इस सीरीज में मतलब कि 5th नंबर पे बैटिंग करेंगे। जैसे पीटर स्ले सिक्स में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, और बहुत ही मतलब कि अच्छे फॉर्म में चल रहे थे लास्ट, मतलब कि जो मैच जो खेल रहे थे उसमें काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे बैटिंग बॉलिंग दोनों ही से। जैसे TSL आपको खेलता रहेगा, वी किंगम आपको खेलता रहेगा, पॉलीवेन वेक्रम आपको खेलता नजर आएंगे, और फिलिपी वोसीवेन आपको खेलता रहेगा। फिर 11th नंबर पर आर्यन दूत और यहाँ से विक्रमी जीत आपको कोई एक खेलते ना जाएगा, तो आर्यन दूत आपको खेलते ना जाएगा, या फिर विक्रमजीत सिंह आपको खेलते जा सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है ये तो टीम को डिसाइड करना है कि आपको किसे खिलाना है। आर्यन दूत एक मतलब कि बॉलिंग ऑलराउंडर, और यहाँ से वी सिंह यहाँ पर जो कि मतलब कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, तो टीम को देखना पड़ेगा उन्हें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए या फिर बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वी सिंह मतलब कि जो नेपाल से नेदरलैंड का सीरीज चल रहा था उसमें मतलब कि 3rd नंबर पर बैटिंग कर चुका, और एक बार ओपन भी, तो टीम में तो ऐसे मतलब कि 3rd नंबर बैटिंग भी कर चुके हैं, और आपको पता ही है वी सिंह मतलब कि और बॉलिंग में कंफर्म पाते थे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वी सिंह, बाकी ए डूट भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। तो देखते हैं अभी के लिए क्या होगा, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। फिर आप सर्च करना @ फैंटेसी 11 टीम ड्रीम मैच, आप सर्च करिए, आपको चैनल देखने को मिलेगा, जब 4400 प्लस सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आप सीधा कमेंट बॉक्स के लिंक से आ जाए, 4000
और 400 सब्सक्राइबर आपको देखने को मिलेगा। तो रियल टेलीग्राम आप सीधे से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लेना या फिर कमेंट बॉक्स से, वहाँ पे आपको इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो सेक्शन टीम आपको दे दूँगा। आपको पता है मेरी टीम्स किस तरीके की होती है, अभी सर इसकी होती है आप जीतोगे एक तरफा और हारोगे भी एक तरफा, तो ध्यान रखिएगा मेरी टीम के साथ खेलने में। तो बात की स्कॉटलैंड की, तो इनके बाद कि कैले कोटेजर आपको खेलते नजर आएंगे, ओपन करते हुए नजर आएंगे जियोज मुंशी के साथ। और जियोज मुंशी बारे में बता देता हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर है स्कॉटलैंड की तरफ से, कोई फेवरेट है तो जियोज मुंशी है, क्योंकि जियोज मुंशी वो प्लेयर है जो कि बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग पाते हैं। जी हाँ, बॉलिंग भी पाते हैं, उसको पता है जियोज मुंशी बॉलिंग नहीं पाते, क्योंकि जो सीरीज चल रहा था मतलब कि जो ऑकलैंड वाला जो सीरीज चल रहा था उसमें मुझे जियोज मुंशी को मैं हमेशा कैप्टन करता था, आपसे पता है 10 किट में अवेलेबल थे पहले, ठीक है। तो जियोज मुंशी ओपन करेंगे, फिर ऐसे ठंड पे कॉलिन मैक्लोड आई जो कि टीम के कंस्टेंट बैट्समैन है और काफ़ी जैसे कि हमारे यहाँ शिखर था वैसे इस एम के यहाँ के कैले कोटेजर है, तो ध्यान रखिएगा। बिफोर था मैट्रिक क्रॉस आई जो कि ये भी मतलब एक अच्छा ऑप्शन है, फिर से रिची ब्रिंगटन आए आपको फिफ्थ में बैटिंग करते ना जाए और साथ ही कन्फर्मली 10 ओवर ये भी डालेंगे और काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर और यंगस्ट भी है। फिर से मिचेल लीक आपसे भी पता है ये भी अच्छे ऑप्शन है, 6 नंबर पे बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी पाएंगे। फिर मार्क वाट आपको खेलते रहने के अंदर बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी पाएंगे। 8 नंबर पे ऐसे सेफ ने सेल्फी आपको खेलते रहेंगे, फिर ऐसे यहाँ पे आपको 9th नंबर पे कैरी वेल्स और यहाँ से डेली वुड्स में से आपको कोई एक खेलते नहीं जाएगा, जिसमें ज़्यादा चांस है कैरी वेल्स के होने चाहिए। अगर हो सकता है कैरी वेल्स अगर ना खेले तो हो सकता है मतलब कि यहाँ पे आपको डेली वुड्स आपको खेलते नहीं जाएंगे, या फिर उधर टीम को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें मतलब किसके साथ जाना है, जिस वजह से डेली एक बॉली मतलब कि एक ऑलराउंडर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से कैरी विल्स यहाँ पे क्या है कि ये मतलब कि विकेट कीपर है, तो हो सकता है अगर टीम को डिसाइड करके उन्हें एक मतलब बैट्समैन चाहिए कि जैसे बैटिंग करे, या फिर उन्हें एक मतलब चाहिए ऐसा जो कि बॉलिंग भी पा ले, तो ये हो सकता है टैलेंट आपको खेलते नजर आ जाए। तो देख लें दोनों टीम से प्लेइंग इलेवन है, और इसके बाद 10th नंबर पर आपको खेलते नजर आएंगे एलिस विल्स आपको खेलते, जो कि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर और डेथ बेस्ट माने जाते हैं और टी20 में तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहते हैं हमेशा, समझ कि एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और फिर ऐसे जी गेविन मैन आपको खेलता नजर आएंगे 11th नंबर पर। तो देख लो इस दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 है, आपको वो चेंजेस आपको मुझे लगता है देखने को आपको मिलेगा, बस यही दो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और टीम को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो फाइल टीम होगी मैं टेलीग्राम पे दे दूँ, रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर, वहाँ पे आपको टॉस रिपोर्ट वेदर रिपोर्ट्स वगैरह होगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँ, तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात के दो टीम से प्लेंगे, बाकी गिव अवे जो से पार्टिसिपेट कर आपको सिंपल से कमेंट करना है कि जियोज मुंशी इस मैच में कितने रन बनाएंगे, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल से मैं क्वेश्चन पूछा हूँ कि जियोज मुंशी इस मैच में कितने रन बनाएंगे, ठीक है, तो आप कमेंट जोर से करना। अभी के लिए बात करते हैं अपने मतलब कि स्मॉल लीग की टीम से, सो ये मेरी पहले स्मॉल लीग की टीम है और मैं आपको लास्ट में आपको दूंगा प्लेयर प्रेडिक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हमें एम क्रॉस को ट्राई क्यों, क्योंकि फिफ्थ में बैटिंग करेंगे और साथ ही साथ इनके साथ जाने के लिए प्रॉफिट रहेगा कि मतलब कि थोड़ा सा कंस्टेंट ज़्यादा रहते हैं, तो ये मतलब कि आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है। बाकी आप इस एडवर्ड को ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो थर्ड में बैटिंग करता है, बट हो सकता है इस सीरीज में फिफ्थ में बैटिंग करेगा। तो मैं आपको टेलीग्राम पे कंफर्म करूंगा बैटिंग ऑर्डर क्या है इन दोनों का, तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये मेरे स्मॉल की टीम है, अभी मेरा कैप्टन हो सकता है जियोज मुंशी है, जब कैप्टन जा सकता हूं तो मैं आपको अपडेट आपको टेलीग्राम पे दूंगा, उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि कितने ओवर पाएंगे टीम, कितने टीम मैनेजमेंट मतलब कितने बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे। अगर 4-5 अगर रहेगा तो समझ लो जियोज मुंशी को जोर से मिलेगा, तो आपको वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो रियल टेलीग्राम जो से ज्वाइन करें। और उसके लिए सबसे बड़ा मतलब टॉस भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है टॉस पहले कौन बैटिंग करता है, तो ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा, तो रियल टेलीग्राम जिससे ज्वाइन करें। मैंने के कॉटरेज को इसलिए ट्राई क्योंकि टीम कैप्टनसी करेंगे और साथ ही साथ मतलब कि ऐसे प्लेयर जैसे हमारे जगह शिखर धवन है उस तरीके के इस लेवल के ये भी प्लेयर है, क्योंकि ये भी मतलब कि बड़े शॉट्स खेलता है और काफ़ी इजिली शॉट्स लगाता है, तो हो सकता है एक अच्छा खासा आपको पॉइंट्स आपको देखे जाए। तो मैं भी मतलब कि वाइस कैप्टन जा रहा हूँ, बट कैप्टन मेरा बिल्कुल फिक्स है कि मैं पीटर स्लिप के साथ कैप्टन जाऊँ, ठीक है। जियोज मुंशी है जब मैं कैप्टन जा सकूँ, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा बॉलिंग ऑप्शन है कितने, तो ये अगर मतलब कि अगर जियोज मुंशी अगर बॉलिंग पाएगा तो मुझे लगता है इससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई मिलेगा, क्योंकि जियोज मुंशी बहुत जल्दी आउट बिल्कुल भी नहीं होते। अब मेरे मतलब स्मॉल की टीम है, बाकी अगर कोचेज चेंजेस कर सकते तो वी किंग को आप ट्राई कर सकते हैं पी वैन विक्रम की जगह, बट इस सीज में ऐसा कुछ नहीं होगा, भले मैं मानता हूँ वी पी वैन विक्रम को एक भी विकेट नहीं मिला था इसको मतलब कि नेदरलैंड वर्सेस नेपाल का जो सीरीज चल रहा था उसमें एक भी विकेट नहीं मिला था बस, बट इस तरह के प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है इंटरनेशनल पे, और ये अपनी टीम की तरफ से सबसे मेन मतलब कि बॉलर है, तो इस बात का ध्यान रखें। आरवी रिंगटन को ट्राई जो कि फोर्थ बैटिंग करेंगे और साथ ही साथ कन्फर्मली 10 ओवर पाएंगे, तो ये एक आपके लिए वॉइस कैप्टन के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पीटर सिलर से भी एक अच्छा ऑप्शन, क्योंकि यंगेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है इससे ज़्यादा, ठीक है, अपने यंगेस्ट के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, तो अभी इसे मिस मत करना। तो अभी मैंने स्मॉल लीग टीम इसकी शॉट लेके इसी टीम के साथ आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें स्टार्ट कर दो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो। अब बात करते हैं पहले ग्रैंड लीग की टीम से, तो ये मेरी पहले ग्रैंड लीग की टीम है, अभी के लिए मेरा वाइस कैप्टन कन्फर्म नहीं है। अभी मैं एम लिसे को ट्राई किया, मैंने
इसलिए ट्राई क्यों कि एम लिसिक मतलब इसराइल के मतलब कि ऐसे प्लेयर है जो कि विकेट लेकर ही मानते हैं और इसराइल में तो कन्फर्म भी ये 10 ओवर ये भी पाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एम लिसिक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और बॉलिंग भी पाएंगे और बैटिंग भी करेंगे, तो एक अच्छा ऑप्शन आएगा आपके लिए। और साथ ही मैंने ट्राई किया यहाँ से वाइस कैप्टन यहाँ से मैक्सो डॉट को ट्राई किया और कैप्टन यहाँ से किया, और सबसे बड़ा चीज मैंने टी वेस को किया। अगर हो सकता है मैं इनके जगह टी वेस की जगह मैं ले सकता हूँ एम क्रॉस को, तो मतलब कि एम क्रॉस की जगह टी वेस को ले सकता हूँ। वो मैं अपडेट में आपको टेलीग्राम पे करूँगा क्योंकि टी वेस ओपन करेगा तो टी वी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे करूँगा, तो रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन की, तो मैं आपको प्लेयर प्रेडिक्शन दे देता हूँ जो भी मेरा मुझे लगता है इस मैच में जो मुझे लगता है चला जाए। तो भाई आप ग्रैंडलिंग टीम में आपको रिकमेंड करूँगा, टी वी एस का रिकमेंड करूँगा, चलेंगे तो बहुत ही अच्छे पारी खेल के जाएंगे और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। और साथ ही साथ ये ऐसे प्लेयर है कि जल्द मतलब आउट हो तो जाते जल्दी, लेकिन बड़े बड़े शॉट्स खेल के आउट होते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एस एडवर्ड इस तरह के प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ मतलब कि इस मतलब कि इस तरह के प्लेयर है जो कि अगर मतलब कि टिक जाते तो स्कोर कर जाते हैं, नहीं तो टिकते तो मतलब बहुत ज़्यादा स्लो खेलते, जैसे कि 12 बॉल पे मतलब 9 रन बनाते या फिर 3 रन ऐसे बनाते, तो हो सकता है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ना हो। बट मैं वो अपडेट मैं टेलीग्राम पे कर ही दूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एम क्रॉस को भी ट्राई कर सकते, फोर्थ में बैटिंग फिफ्थ में बैटिंग करेंगे और काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और के कोटेस की टीम में कैप्टन सिखर, और मैंने पहले बोला था कि शिखर तो जैसे ये भी प्लेयर है तो ध्यान रखिएगा। सी मैकलॉड अपनी टीम में कंसिस्टेंट बैट्समैन है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है और बहुत दिन बाद क्रिकेट खेलेंगे, तो हो सकता है मतलब देखना पड़ेगा बैटिंग बहुत दिन बाद करेंगे तो फॉर्म देखना पड़ेगा क्योंकि पहला मैच है। तो आप इन्वेस्ट मतलब उतना थोड़ा ज़्यादा एकदम से ज़्यादा मत कर देना है, ग्रैंडलिंग भी ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि बहुत दिन बाद बैटिंग करेगा तो हो सकता है फर्स्ट मैच फ्लॉप भी जा सकता है। तो ये मैं अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा। फिर मैक्सो डॉट पता कि लास्ट तो मैच खेलकर आए और फॉर्म में चल रहे तो आप इनके साथ वाइस कैप्टन जा सकते हैं, भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको 8 ऐसे प्लेयर्स दे रहा हूँ, जॉर्ज मुंसी को रिकमेंड करूँगा और यहाँ से मैं बैनकॉपर उन्दर रिकमेंड इस मैच में नहीं करूँगा। क्यों इस मैच में मैं बैनकॉपर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है बैनकॉपर फ्लॉप होंगे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आर्विन टोन रिकमेंड करूँगा, पी सिलर को आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप बैनकॉपर नहीं ले रहे तो आपको पी सिलर आपकी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप बैनकॉपर ले रहे हो तो पी सिलर को ड्रॉप करना, अगर पी सिलर ले रहे हो तो बैनकॉपर को ड्रॉप कर देना, ठीक है। फिर एस आर एफ बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और मतलब कि एक तो बॉलर है बट बैटिंग भी काफ़ी अच्छे कर लेते, तो ये मतलब कि बैटिंग सेक्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करना चाहते हो तो एम लिसिक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा एस आर पी मतलब कांस्टेंट विकेट लेके जाते हैं और एम लिसिंग बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छे खासे कर लेते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। और एलवन वेन के आपको खेलते नजर नहीं आएंगे इस मैच में, तो आप इन्हें ट्राई मत करें। आप 76 लोग ट्राई कर रहे हैं, हालांकि प्रॉब्लम है अभी नहीं है तो इन्हें मत ट्राई करें। अभी आप एडवुड मतलब कि इस तरह के प्लेयर है, अब एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और भी सिंह एक बैटिंग ऑलराउंडर है, तो टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि क्या डिसाइड करना है उन्हें। बैसलेट लीड फोर्थ में बैटिंग करेगा, एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये ट्राई नहीं किया हूँ बट एक बहुत ही अच्छा प्लेयर आप पता है मतलब कि जो नेपाल में से नेदरलैंड का जो सीरीज चल रहा था उसमें काफ़ी अच्छे मतलब फॉर्म में चल रहे थे, तो मैं भी कैप्टन वाइस कैप्टन भी जा सकता हूँ इनके साथ दिल्ली की टीम में। अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे करूँगा, इस वीडियो पर बस अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं 6 टीम आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, ठीक है। तब बात करते हैं दो टिप्स के, मतलब कि मैं 7 प्लेयर दे चुका हूँ, 18 प्लेयर्स में आपको दे रहा हूँ एवांस, बहुत ही अच्छा प्लेयर। और अब 9th प्लेयर आप लेना चाहते हो और 3 अपने हिसाब से, तो आप यहाँ से ले लेना बैसलेट लीड और यहाँ से ले लेना जिसमें आपको दे ही देता हूँ, चलो ठीक है। आप अपने हिसाब से एम वाट को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बैसलेट लीड को रिकमेंड कर रहा हूँ और यहाँ से आप बॉलिंग सिस्टम में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। पीवन विक्रम एक अच्छा ऑप्शन देगा, बाकी जी मैन भी एक अच्छा ऑप्शन देगा, लेकिन अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँ पीवन। तो ओवरऑल मेरी ये ग्रैंडलीग की टीम सेट हो गया है और ये मेरी तीसरी ग्रैंडलीग की टीम है। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन में कन्फ्यूजन हूँ बट मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको टेलीग्राम पे दे दूँ। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको सिक्लेन टीम आपको टेलीग्राम पे दूँ, अपने वाइस कैप्टन अपने हिसाब से चल जाएगा। सी मैकलोड भी एक अच्छा खासा ऑप्शन देंगे वाइस कैप्टन सी के लिए, और ये फोर्थ में बैटिंग करेंगे और ये भी फोर्थ में बैटिंग करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए दोनों भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो आप इस हिसाब से भी जा सकते हो बट अभी के लिए मैं आपको इसी टीम के साथ अभी कॉन्टेस्ट बुक कर रहा हूँ, फाइव टीम आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। सो रियल टेलीग्राम जो जॉइन कर जहाँ 4400 प्लस सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सर्च करना फैटेस रिलेटिव रियल मैच, तो ये भी जोर से पार्टिसिपेट कीजिएगा। बाकी आपका जो भी डाउट है जोर से कमेंट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी इसी साथ वीडियो समाप्त करते हैं, आपको जो वीडियो पसंद है जोर से लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी मुझे उम्मीद होगा यही कि मैंने आपको अच्छा बताया कि आप टीम पे प्रोवाइड करने की कोशिश किया और बाकी आप सब पता है अच्छा खासा अमाउंट भी किया, तो रियल टेलीग्राम जो जॉइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप रियल टेलीग्राम जोर से जॉइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी जोर से कर लीजिएगा और सिंपल सा कमेंट मतलब करना है आपको इस वजह से जॉर्ज मुंसी कितने रन बनाएंगे, देखते हैं किसका राइट आंसर होगा। जिसका भी राइट आंसर होगा उसे मिलेगा वैसे ऐसे फ्री पेटीएम कैश। बाकी जो लास्ट मैच हमने क्वेश्चन पूछा था कि ए स्टेनी से वजह कितने रन बनाएगी, मैंने पूछा था क्वेश्चन, जिसका भी आंसर 100 होगा राइट मतलब 100 पूरा एकदम एक्यूरेट होगा, 100 रन मतलब जिसका भी होगा उसे मिलेगा फ्री पेटीएम कैश।
तो जोर से कमेंट करें और इसका विनर मैं आपको डिसाइड करके टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो जोर से लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फिर सब्सक्राइब भी करके गिव अवे जोर से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रियल टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए।